नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मूर्तिकार गौतम ने बताया कि इस बार कोई खास फायदा नहीं हुआ, महंगाई की वजह से श्रद्धालुओं में कमी देखी गई। सर, इस बार गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम है। इस बार का बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं रहा, ठंडा रहा थोड़ा माहौल। पिछले साल जितनी मूर्तियां नहीं बिकी इस बार। अब इस बारे में तो मुझे ना वो नहीं है कि कस्टमर इतने कम कैसे हो गए। बाकी इस बार बड़ी मूर्तियां तो बिकी नहीं, छोटी मूर्तियां ही, थोड़े जो 4 फीट 5 फीट की मूर्तियां वही ज़्यादा चली। मुझे इसमें बहुत बड़ा महंगाई लगता है, मुझे महंगाई का मुद्दा लगता है। लोगों के पास अभी क्या है, जितने बच्चे आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, सभी लोगों का यही कहना है कि भैया हमको कुछ पैसे कम कर दो, हमारा बजट नहीं है, हमारा पैसे नहीं है। हाँ बिल्कुल, सस्ता करना चाहिए। हमारा तो हर सामान महंगा हो गया, हर चीज, बांस बोलो आप, मिट्टी बोलो आप, घास बोलो आप, सब महंगा है। हाँ बिल्कुल, हम तो अपेक्षा यही रखते हैं कि मार्केट में महंगाई कम हो ताकि लोग आराम से उत्साह बना सके, ये जो परेशानी आ रही है ये कम हो जाए। हर त्यौहार भी आने वाला है। सर, हमारा एड्रेस तो ये है कि 45N2 हबीबगंज के सामने हमारा ये पंडाल बना हुआ है। हमारा पंडाल का नाम है श्यामा आर्ट्स, और करीब करीब हमको इस काम करते हुए 15 साल हो गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल आइए। और हाँ, हमारी मूर्ति काफी जगह गई है, काफी जगह गई, कोलार गई है, टीटीनगर कालीबाड़ी है, काफी जगह है। इस बार सबसे महंगी मूर्ति की क्या प्राइस? इस बार जो गणेश जी है, सबसे महंगी मूर्ति 45,000 की थी। हाँ, वो कोलार की थी। पता, ये हमारा पंडाल है जिसका नाम है श्यामा आर्ट्स। मेरा नाम गौतम। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।